политологи и военные эксперты обсуждают возможность. Русский медиа как дава, Джан ке лие хэ тайяр. Далеко не все продукты действительно стоит брать с собой. Сегодня это единственный радар в мире, который способен на расстоянии 2000 километров. Я вишь юдх ки тараф бадь рахи хэ дунья. Кроме того, напомню американским стратегам, что воздушное прикрытие российских военных баз. रूस में मिसाइल से बचने का टेस्ट शुरू. जो रूसी जंगी बेड़ा सीरिया हुआ रवाना. क्या सीरिया बनेगा विश्व युद्ध का अखाड़ा? ताकत पर छिड़ी बहस. Ну кому в голову приходилось, что Россия сможет наращивать ее? जंग के मैदान में कौन सा मुल्क किसके साथ? अगर विश्व युद्ध हुआ तो नुकसान किसे होगा? विश्व युद्ध थ्री की भविष्यवाणी कितनी सच्ची? Oh, and that's what makes it so bad. If he'd have been a piece of crap from the beginning, it would be so bad. Jab hair visual. Bade bade expert kya keh rahe hain? Missile se hamla Syria par hua, lekin us agnivarsha ke baad puri duniya par mahayuddh ke badal mandrane lage. महाजंग की आहट को सुना और देखा भी जा सकता है. क्योंकि रूसी मीडिया की तरफ से छापी गई कुछ तस्वीरों ने धड़कने बढ़ा दी. ये तस्वीरें रूस के जंगी बेड़े की हैं, जिसे सीरिया की तरफ रवाना किया जा चुका है. रूस के कई न्यूज चैनल भविष्यवाणी कर चुके हैं कि विश्व युद्ध को अब कोई नहीं रोक सकता. सीरिया पर हमला रूस को ललकारने जैसा है, लिहाजा रूस के लोगों को जंग के दौरान सुरक्षित बचने के तरीके बताए जा रहे हैं. तो अमेरिका में मशहूर रेडियो कमेंटेटर एलेक्स जोन्स फफक फफक कर एक शो के दौरान रोने लगे. वहीं दुनिया के कई नामी अखबार और मीडिया ग्रुप रूस और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव को विश्व युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं. वजह है रूस के जंगी बेड़े का सीरिया रवाना होना, रूस की तरफ से बदले की कार्रवाई के संकेत, अमेरिका का बार बार रूस को ललकारना, रूस पर अमेरिका की तरफ से नए प्रतिबंध. दुनिया में एक बार फिर लामबंदी शुरू हो गई. रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है, और उसकी तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने 103 मिसाइल सीरिया पर दागे, लेकिन 103 में से 71 मिसाइलों को मार गिराया गया. रूस की समाचार एजेंसी दास ने रूसी जनरल रोडस्कोई के हवाले से खबर छापी है कि यूएस ने B-1B प्लेन से टॉम हॉक और GBU-38 गाइडेड बम दागे थे. F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागी गई. ब्रिटेन के टोर्नाडो एयरक्राफ्ट से 8 स्कैल्प EG मिसाइलें दागी.
यही वजह है कि अब सीरिया में रूस S-300 मिसाइल सिस्टम की तैनाती करेगा ताकि अमेरिकी मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर सके। ऐसे में महायुद्ध की आशंका और बढ़ गई है। क्योंकि तैयार है अमेरिका तो रूस बदला लेने की फिराक में बैठा है। अमेरिका ने पहले सीरिया को खुल्लम खुल्ला अंजाम भुगतने की धमकी दी और चंद घंटों के बाद मिसाइल अटैक की शक्ल में इस धमकी को सच भी साबित कर दिया। लेकिन सीरिया पर हुए मिसाइल अटैक ने पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर लाकर बैठा दिया। अमेरिका अपने हमले को डंके की चोट पर सही बता रहा है तो रूस बौखलाया हुआ है। रूस का कहना है कि मिसाइल हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। और तो और रूस के सरकारी चैनल पर नागरिकों को बताया जा रहा है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मिसाइलों से हमला किया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क आग के शोलों में तब्दील हो गई। यह हमला सीरिया पर किया गया है लेकिन इस हमले के साथ ही ट्रंप ने पुतिन को भी हद में रहने की चेतावनी दे डाली। अब रूस बदला लेना चाहता है। एक बार फिर हमें धमकाया जा रहा है। हम आगाह करते हैं कि ऐसी कार्रवाई को बिना परिणाम भुगते नहीं छोड़ा जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस पर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अपमान करना अस्वीकार्य और अमान्य है। जिसने भी यह किया है वो अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो ये तय है कि अमेरिका फिर से पलटवार करेगा। जानी अगर ऐसा हुआ तो वहां जंग होनी तय है। अगर वो बदला लेते हैं तो ये एस्केलेशन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। अभी देखते हुए दुनिया भर के एक्सपर्ट और मीडिया हाउस कई तरह के दावे भी कर रहे हैं। कदम इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो भी अमेरिका के खिलाफ झुकेगा नहीं बल्कि वो आर पार के मूड में है। यानी बंकरों में पनाह ले, रेडिएशन से बचने के लिए अपने साथ आयोडीन पैक रखें, अभी से ही खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा कर लें, ज्यादा से ज्यादा पानी और चावल का स्टोरेज करें,